हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती है सिंपल मैगी, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि उसमें जो मैगी का मसाला होता है वही डालेंगे। इसके अलावा हम कोई भी दूसरा मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही सिंपल मैगी पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में 3 गिलास पानी डाल दिया है। इस पानी को हम बॉयल होने देते हैं। जब ये पानी पूरा बॉयल हो जाता है, तब हम इसमें जो मैगी के साथ मसाला आता है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाउच मैगी मसाला डाला है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसे हम बॉईल होने देंगे। जब तक हमारा पानी उबलता है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मैगी ली है। मैंने ये 4 बंच लिए हैं, क्योंकि मैं 4 प्लेट बना रही हूँ, इसलिए 1 प्लेट के लिए 1 बंच मैंने लिया है। तो ये देखिए, अब पानी भी उबल चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी ये सारी मैगी। मैगी को हमेशा जब पानी उबल जाए तभी डालें, नहीं तो अगर आप इसे ठंडे पानी में यानी बिना उबले पानी में डाल देंगे तो सारी मैगी चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए जब पानी उबल जाए तभी उसमें मैगी डालें। मैगी डालने के बाद इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे। से 4 मिनट के बाद इसे एक बार दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे, और 5 से 8 मिनट होने के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो हमारी मैगी बनके तैयार है, ये देखिए। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, ये देखिए। थोड़ा सा जो पानी है वो हम इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए इसे इस तरह से हिलाएंगे तो वो सारा पानी जल जाएगा और हमारी मैगी बनके तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे। अब ये देखिए, हमारी मैगी बनके तैयार है और मैंने सर्व भी कर दी है। बहुत ही यम्मी बनी है मैगी। आप भी ज़रूर इस सिंपल तरीके से मैगी बनाएं और ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती